Everyone, welcome back to our channel. This is Pooja Gohil and this is Vidhi Gohil and you're watching Chat Shala. So here we are back with another challenge video and हम बहुत time के बाद challenge कर रहे हैं क्योंकि विधि की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम challenge नहीं कर पा रहे थे. So इसके पहले मैंने एक video डाला है जो था street food अंडर ₹50 इन घाटकों पर. तो वो वाला अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से आके चेकआउट कर लो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देने वाली हूँ. सो आज का हमारा चैलेंज काफी अतरंगी होने वाला है क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं. बेसिक चैलेंज ये है कि वियर्ड बर्गर हम बनाने वाले हैं. हमारे पास ये चिप्स है, विदी चिप्स लाओ. सो ये जो तीन चिप्स है ये सॉसेस के लिए है, मतलब स्प्रेड्स वगैरह है तीन इसमें, और ये चार में है टॉपिंग्स लाइक जो बर्गर के अंदर हम रखने वाले. हमारे पास प्लेन हमारा बर्गर होगा, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आलू टिक्की होगा. एंड ये तीन फर्स्ट हम ये तीन चीट्स में से कुछ एक उठाएंगे तो लाइक इसमें जो भी आएगा वो हमें वो बन पे लगाना है. हाँ, तो उस पर पहले स्प्रेड करना है वो, और उसके बाद हम उस पर टिक्की रखेंगे. और उसके बाद ये चार चीट्स है, हाँ, तो उसमें से हमें कोई भी दो चिप्स उठाना है एंड उसमें से जो दो चिप्स में जो भी होगा वो भी हमें टिक्की पे रखना है, मतलब बर्गर पे रखना है, और फिर वो बर्गर हमें खाना है. तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीजें हैं जो हम एक बर्गर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हमने रखी है. सो हम जल्दी से जाके हमारा बर्गर लेके आते हैं, हमारे डिप्स और स्प्रेड्स जो भी है टॉपिंग्स वगैरह वो हम जल्दी से लेके आते हैं. सो ये है हमारा प्लेन आलू टिक्की बर्गर और आप देख सकते हैं इसके अंदर टिक्की है एंड बन है. और हमारे पास जो ये तीन चिट्स है उसमें है अचार, मेयोनीज एंड रेड चिली सॉस. इसमें से सिर्फ एक चीज अच्छी है जो कि है मेयोनीज, बाकी हमने ये अचार रखा है मैंगो का पिकल एंड रेड चिली सॉस एंड जो टिक्की के ऊपर हम रखने वाले हैं टॉपिंग्स उसके लिए हमारे पास ये आलू भुजिया जो सेव आता है वो पापड़ पोटैटो चिप्स एंड डिरमिल. तो ये चार में से इसमें से कुछ एक, इसमें से कुछ दो, तो वैसे करके हम करने वाले हैं. सो पहले हम चिट्स एक साथ चिट्स हम ले लेंगे, फिर अपना बर्गर बना लेंगे और फिर हम वो खाली मतलब खाएंगे. सो पहले सबसे पहले हम सॉसेस का चिट जो है उठाने वाले, वो उठाएगी सबसे पहले पूजा उठाएगी. एक काम करते हैं हम आग बंद करके क्योंकि इसमें थोड़ा दिख रहा है तो हम थोड़ा आग बंद करके पीते हैं. मैं अच्छा, हाँ तू कर. ओके ले. ओ माय गॉड इट्स अचार. ओके सो मेरा इस पे स्प्रेड होने वाला है अचार का. ओके तेरी टर्न. ओ चिली सॉस. सो ये रहा चिली सॉस, ये रहा अचार. तो मैं अचार लेने वाली हूँ, विधि रेड चिली सॉस लेने वाली हूँ. और ये है हमारे टॉपिंग्स जो कि इसके जाने वाले. तो ये भी चार टॉपिंग्स है, उसमें से हम कोई भी दो पिक करेंगे. ओ माय गॉड चॉकलेट, I was not expecting this. चॉकलेट सबसे खराब चीज होगा बर्गर के अंदर, चॉकलेट. नेक्स्ट क्या है देखते हैं, होपफुली कुछ अच्छा है. अभी क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब तो अच्छा ही है. चॉकलेट है, चिप्स. चिप्स तो चिप्स एंड चॉकलेट सी सी. दोनों अच्छा है. और एक तुझे हाँ चिली सॉस आया. ओके सो ये अच्छा हो गया, ये डिवाइड हो गया लाइक ये दोनों विधि लेने वाली है और ये चॉकलेट और वेफर्स मैं लेने वाली है. सो आई गेस बहुत ज्यादा वियर्ड होने वाला है, बहुत ही ज्यादा वियर्ड अचार. एक तो बर्गर में खट्टा अचार, उसके साथ स्वीट और उसके साथ सॉल्टी. ओ माय गॉड सारे फ्लेवर्स, और ये टिक्की स्पाइसी, सारे फ्लेवर्स होने वाले मेरे बर्गर में. ओके सो हम हमारा बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं. सो
पहले ये टिक्की साइड में रख दे, और ये अचार। मैंने इसका टेस्ट ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है कैसा होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी फुल ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। दोनों बंद करना है, दोनों साइड्स पे कि एक ही साइड पे? नहीं दोनों। इसका स्मेल से मुंह में पानी आ रहा है ना। हम अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं ना। ये अभी हाँ, मुझे पूरा लेना है कि हाफ चलेगा? चलेगा ना, चलेगा। ऑलमोस्ट हाफ। आई थिंक सो दिस इज गोना बी वेरी नाइस। नींबू का अचार है, काफी खट्टा है। ओके सो ये मैंने दोनों बंस पे ये लगा दिया है अचार। ये रहा मेरा टिक्की, और अभी इस पे क्या होगा? चॉकलेट। एंड अभी मैं सोच रही हूँ चॉकलेट कहाँ पे रखूँ। हाँ एक्चुअली वेफर्स। मैं ये ब्रेक कर दूंगी क्योंकि बस खाली वेफर्स और ये आता ना तो भी अच्छा रहता, पापड़ या ये बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी ये चॉकलेट, चॉकलेट हम लोग को सिर्फ चॉकलेट खाना होता था, एक बहुत अलग बात होती थी चॉकलेट के साथ बर्गर। गाइस मैं डाल रही ना, जल्दी खोलना। ओके वेट, मेरे हाथ में ऑयली है थोड़ा, इसके लिए खुलने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पूरा नहीं रखने वाली हूँ चॉकलेट, दो पीस मैच है। ये रहे मेरे, बट हाफ रखना चाहिए ना, तो फिर फोर पीस। मैंने भी हाफ पापड़ डाला, हाफ ये शेव डाल, हाफ डाला, तो फिर हाफ तो बनता है। मैं ये ना छुपा के रख दूंगी किधर, ताकि मुझे टेस्ट ना आए। टेस्ट आने वाला है। हाँ तो मैं मेरे हिसाब से कुछ सजा के रख रही हूँ ना। हाँ बट मैं तुझे भूल रही थी, मुझे लग रहा है कि अगर तू बीच में डालेगी तो टेस्ट नहीं आएगा। होपफुली ना आए। इसको मैं और कवर करूंगी वेफर्स से। सो ये बन गया है हमारा बर्गर। ओ माय गॉड, सो योर्स नॉट गॉन। ये रहा, काफी वियर्ड। तेरा पापड़ किधर गया? नीचे रखा। ओ वाओ नाइस। A few moments later. So we are done eating this burger. बीच में जो चॉकलेट्स आ रहा था बिल्कुल बुरा टेस्ट आ रहा था उसका। मतलब ये बहुत सारे इसमें फ्लेवर्स है, लाइक मेरा बर्गर तो स्पेशली उसमें खट्टा भी था, स्पाइसी था, स्वीट था, सॉल्टी था, बीच बीच में वो वेफर्स का क्रंच आ रहा था, इतने सारे फ्लेवर्स है। मेरा एक्चुअली बर्गर का नाम अतरंगी बर्गर ही होना चाहिए, क्योंकि अतरंगी अतरंगी सारे फ्लेवर्स है। और विद्दी का बर्गर काफी अच्छा था, उसमें सब अच्छी चीजें थी और टेस्ट भी अच्छा आता होगा, बहुत ही ज्यादा यमी था। एंड मेरा भी था ठीक था, बीच में जो 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 पार्ट्स में बीच बीच में चॉकलेट्स आ रहा था ना वो थोड़ा खराब लग रहा था, बट बाकी इट वॉज नाइस। बर्गर में अचार का काफी अच्छा टेस्ट आता है, सो आपको ट्राई करना चाहिए बर्गर में अचार डाल के। एंड बाकी If you like this video, make sure to subscribe to our channel and give this video a big thumbs up. And अपने friends, family जितने हैं सबके साथ share करो, और उन्हें भी बताओ कि हम ऐसे weird burgers try कर सकते हैं but without chocolate. सिर्फ अगर chocolate नहीं डालो तो बाकी सारे elements अच्छे थे। सेव आप डाल के खा सकते हो, पापड़ डाल के खा सकते हो, wafers डाल के खा सकते हो, और अचार, सारे flavors अच्छे थे। चॉकलेट एक बुरा था, वो मत डालना, बहुत बुरा टेस्ट आने वाला है। सो या दैट्स इट, एंड अब हम मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट चैलेंज वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।